राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए ये मैंने बनाया है शाही पनीर, कितनी अच्छी बनी है, कलर भी कितना अच्छा आया है और कितनी थिकनेस है इसमें। देखिए क्रीमी ग्लॉसी, देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई दोस्तों। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं शाही पनीर। चलिए ये देखिए मैंने ले लिया 400 ग्राम पनीर, ये क्रीमी है, ये सॉफ्ट वाले पनीर हैं, बहुत अच्छे हैं। ये मैंने 6 टमाटर ले लिए हैं, हाइब्रिड वाले टमाटर हैं दोस्तों, देसी टमाटर से प्यूरी खट्टी हो जाती है। ये मैंने टमाटर को धुल के ले लिया है, इसको मैं रफली चॉप कर लेती हूँ बड़े बड़े टुकड़ों में। ये मैंने इधर पैन चढ़ा दिया है, इस पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। टमाटर को फ्राई करूंगी, इसमें पका लूंगी अच्छे से। ये देखिए टमाटर को डाल देती हूँ मैं इसमें। दोस्तों आप अगर टमाटर को नहीं पकाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ब्लेंडिंग जार में आप टमाटर का प्यूरी बना लीजिए, उसके बाद फिर आप डाल सकते हैं, मसालों के साथ पका लीजिएगा। मैं टमाटर को यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ और अच्छे से गला लूँगी तो ज़्यादा भूनना नहीं पड़ेगा। देखिए मैं हल्का सा नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने से दोस्तों टमाटर थोड़ा जल्दी पक जाएगा। नमक डालने के बाद मैंने इसको चला लिया आपस में। ये मैंने ले लिए हैं मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। इन सब को मैं पानी में एक पेस्ट तैयार कर लूँगी, पानी डाल के ऐसे ही सूखे मसाले डाल दूँगी तो मसाले जल जाते हैं, इसलिए मैं पानी में डाल के थोड़े देर के लिए रख दूँगी। ये देखिए इसी तरह से बना के रख लूँगी मैं। ये देखिए टमाटर मेरे ऑलमोस्ट पक चुके हैं, अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े गरम मसाले खड़े वाले। ये 2 तेज पत्ता डाल दिया, मूंगफली, काजू, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और 3 लाल मिर्च मैंने ले लिए हैं। इन सबको मैं टमाटर के साथ पका लूंगी। दोस्तों अगर आपके पास काजू ना हो तो काजू को स्किप करके आप मूंगफली ही डाल सकते हैं, और काजू मूंगफली कुछ ना हो तो आप सिर्फ टमाटर का प्यूरी डाल सकते हैं। ये देखिए मैं इन सबको हल्का सा पानी डाल के 8-10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी पकने के लिए, ताकि गरम मसाले की खुशबू अच्छे से भीग जाए इसमें। ये देखिए अब 8-10 मिनट के बाद हमारे टमाटर कितने अच्छे गल चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं, और इसमें से जो खुशबू आ रही है ना गरम मसाले की, बहुत अच्छे आ रहे हैं दोस्तों। ये देखिए मैं हल्का हल्का मैश कर देती हूँ टमाटर को, अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। दोस्तों ये हमारे टमाटर अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो अब मैं इससे सारे खड़े गरम मसाले निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने निकाल लिया और एक जार लिया, जार में सारे मसालों को डाल के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी मिक्सी में। ये देखिए मैंने बना लिए पेस्ट, चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिए। अब इसमें मैं खड़े मसाले ऐड नहीं करूंगी, सिर्फ जीरा, धनिया और 8-10 काली मिर्च, इन्हीं सब का तड़का लगेगा। आप अगर लहसुन प्याज खाते हैं तो टमाटर के साथ प्याज और लहसुन भी डाल दीजिएगा, अदरक भी डाल दीजिएगा, मैंने नहीं डाला है। अब इन जो पेस्ट बना के रखा था वो तेल में डाल के मैं अच्छे से मिला रही, थोड़ा पका लेती हूँ लेकिन मैं। और ये देखिए अच्छे से पक गए मसाले थोड़े थोड़े। अब मैं इसमें जो पेस्ट बना के रखी थी टमाटर का वो मैं ऐड कर रही। दोस्तों जब टमाटर का प्यूरी ऐड करेंगे आप तो ये फटाफट से छींटे इसके चारों तरफ फैलने लग जाएंगे, तो इसको मिला के और तुरंत ढक्कन लगा दीजिएगा, ये तो पूरा गंदा कर देगा छींटे निकल के। ये देखिए मैं ढक देती हूँ फटाक से। दोस्तों 2 मिनट हो चुके हैं, 2-3 मिनट, और मैं खोल रही तो देखिए छींटे चारों तरफ कैसे निकल के बाहर आ रहे हैं।
अब मैं इसको चला लेती हूँ। इसको चलाते रहना पड़ता है दोस्तों बीच बीच में, क्योंकि ये काजू और पीनट का जो पेस्ट है ना ये लग जाते हैं कढ़ाई में। इस प्रकार से ढक लेती हूँ। ये देखिए 8 से 10 मिनट मैंने बीच बीच में चला लिया था दोस्तों, आप भी चला लीजिएगा। और ये देखिए 8 से 10 मिनट के बाद सारे तेल अलग हो चुके हैं मसाले से। मैं हल्का पानी डाल रही हूँ क्योंकि इसमें हल्का हल्का ये देखिए दोस्तों मसाले से तेल अलग हो चुका है। अब MDH का शाही पनीर मसाला मिला रही हूँ मैं, ये ऑप्शनल है तो डालें, नहीं है तो स्किप कीजिए। ये मैं इसमें एक बड़ा सा चम्मच डाल देती हूँ और इसको भी मसालों के साथ 1-2 मिनट के लिए भून लेती हूँ। ये मैंने मसाले भून लिया, पानी इसमें ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके। ये गुनगुना गर्म पानी है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं मसाले में डाल रही हूँ। ये दोस्तों देखिए मैंने पानी डाल दिया। अब हल्का सा अगर आपके पास क्रीम होगा तो क्रीम डाल लीजिएगा। मेरे पास क्रीम नहीं था तो मैंने दूध में जो मलाई थी उसी को ले लिया और 1 कटोरी दूध ले लिया है। मैं इसमें दूध भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी दोस्तों। ये देखिए दूध भी डाल दिया मैंने, कटोरी भर के डाला था। और अब मैं इसमें पनीर ऐड कर लूँगी। पनीर आप फ्राई कर लीजिएगा, मैं फ्राई नहीं करती हूँ तो मैं ऐसे ही डाल दूँगी इसमें। ये देखिए पनीर मैंने सारा डाल दिया इसमें। अब पनीर को अच्छे से पका लूँगी ग्रेवी में। दोस्तों अभी तक मैंने नमक नहीं डाला है। नमक शाही पनीर में मैं जब भी बनाती हूँ तो सारे मसाले वगैरह भुनने के बाद, पनीर वगैरह ऐड करने के बाद ही डालती हूँ नमक। ये मैंने कसूरी मेथी डाल दिया इसमें थोड़ा सा। ये देखिए इस कसूरी मेथी को भी मैंने अच्छे से मिला दिया सब्जी के साथ। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। ये देखिए इतना अच्छा बनके तैयार हुआ। अब नमक डालने के बाद मैं अच्छे से मिला रही हूँ नमक, ताकि पनीर में भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए अब मैं 2-3 मिनट के लिए ढक देती हूँ। दोस्तों बहुत अच्छी बनके तैयार हुई शाही पनीर। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।